मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होते ही सफलता से अभिभावक शिक्षकों और छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 62% विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें बच्चे, उनके अभिभावक और शिक्षकों में खासा हर्ष है। वहीं उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली प्रकाश नगर स्थित सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र नायक ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त कर पूरे जिले और विद्यालय को गौरवान्वित किया है। उमरिया जिले के चंगेरा ग्राम में रहने वाले महेंद्र नायक, पिता सोहन नायक, एक गरीब घर का बालक है जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पन्ना चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो महेंद्र की सफलता मिली है, वास्तव में कि माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और उस स्कूल का प्रेम, इसने कि उसको ऊर्जा मिली, जिसके कारण मध्य प्रदेश में महेंद्र भैया टॉप 10 में आया है। निश्चित ही उसकी ऊर्जा और हिम्मत और बढ़ेगी। मैं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर उसको सदा सदैव जो है आगे प्रशस्त करे, और जो भी सब्जेक्ट लेकर पढ़े महेंद्र भैया वो अच्छे नंबरों से पास हो और सदैव पढ़ लिख कर बढ़िया। मध्य प्रदेश में नौकरी, बहुत सारी जॉब हैं, नौकरी के भी है, बहुत सारे कंपनियों में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पढ़ लिख कर भैया अच्छा काम करे, माता पिता का नाम रोशन, गाँव का नाम रोशन। हमें गर्व हुआ कि हमारे क्षेत्र का एक बालक उमरिया जिले का नाम रोशन कर रहा है। हम बैठे थे, जैसे जानकारी लगी हम सब भक्ते आए, मेरे को चलो यार उस बच्चे को कम से शुभकामना दे दे। और हम भी गौरवान्वित हैं, हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गरीब करीब के गांव का बालक टॉप 10 में आया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस उज्ज्वल की भविष्य की कामना करता हूँ कि सदैव आगे बढ़ता है। क्योंकि आपके क्षेत्र का ये बालक है, काफी गरीब परिवार से फाइट कर रहा है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद? जो भी होगी प्रशासन से, अपन प्रशासन से मदद दिलाएंगे, और मेरे से जो होगी इसकी पढ़ाई में कभी आँच नहीं आने दी जाएगी, न कमी आने दी जाएगी। आपने मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया कक्षा 10वीं के रिजल्ट में, आप कुछ अपने माता पिता के लिए कहना चाहेंगे? मैंने जो सफलता प्राप्त की है, उसका सारे से मैं अपने माता पिता, मेरे टीचर सभी को देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया, इस कारण मैं इतना ऊंचाइयों तक पहुँच पाया। आप किस विद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं? मैं सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण हुआ हूँ। आपके आपके प्रमुख प्राचार्य? हाँ बोलो। मेरे विद्यालय के प्राचार्य जी श्री श्याम बिहारी मिश्री हैं। अपने शिक्षकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इस कारण मैं इतना आसान रैंक प्राप्त कर पाया। महेंद्र नायक, आपने बेशक काबिले तारीफ सफलता प्राप्त की है, आगे आप क्या बनना चाहेंगे, क्या की पढ़ाई करना चाहेंगे? मैं मैथ सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें आपके बेटे ने मध्य प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त किया, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा, और हमारे आचार्य जी हैं, इन्हें जो मदद किया है, इन्हें पढ़ाया है, हमको बहुत अच्छा है, इसमें गर्व है हमारा। हमें इसका और भी बढ़ के हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाएंगे, इनके इन्हीं के स्कूल में अभी हमारा बच्चा पढ़ेगा और अच्छी नाम रोशन करे। जिस समय आपको पता लगा कि आपके लड़के ने 8वां स्थान अर्जित किया पूरे मध्य प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग में, उस समय आपकी क्या अनुभूति थी? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं साइड छोड़कर घर में आ गया इनसे मिलने के लिए, आचार्य जी से, मेरे बच्चे से, मेरे घर के परिवार के सभी लोगों से मिलने के लिए आया। मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई, इसलिए आया मैं, और अभी और भी आगे खुशी आएगी। महेंद्र नायक जो है अपने विद्यालय सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रकाश नगर का कक्षा 10वीं का छात्र है, और ये काफ़ी गरीब घर का बालक है, और अपने विद्यालय में ये विगत 3 वर्षों से अध्ययन कर रहा है, और विद्यालय इसके भविष्य की कामना करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इसको अपना सहयोग प्रदान करता है। क्या उपलब्धि हासिल हुई है इसे? इसके मेरिट में आने से विद्यालय का नाम रोशन हुआ है, और विगत 3 वर्षों से अपने विद्यालय में बच्चे एमपी की मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इस बालक को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसको 400 में से 395 अंक प्राप्त हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।